In this video, we are going to solve question number 2 from exercise 1.2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify. आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जब आपके पास दो नंबर होते हैं तो उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों जो नंबर होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मीन्स एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ये एक फार्मूला है. तो अगर यहाँ पे एच सी एफ एल सी एम में से कुछ मिसिंग रहे, दोनों नंबर पता रहे, तो किसी एक को पता करके आप दूसरा निकाल सकते हो. अभी यहाँ पे आपको इस रिलेशन को वेरीफाई करना है इन तीनों अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए. इसी का वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका एच सी एफ और एल सी एम बताना होगा. एच सी एफ बताने के लिए मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया हुआ है, लेकिन डिवीजन मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपको एल सी एम नहीं मिलेगा, केवल एच सी एफ मिलता है. इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे. तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 13, और 91 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो आएगा 7 इंटू 13. तो जो नंबर दोनों में कॉमन होता है उसी नंबर को अगर हम मिनिमम एक्सपोनेंट के साथ लिखते हैं तो वो एच सी एफ होता है. तो 13 यहाँ पे दोनों में कॉमन है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसलिए 13 हो जाएगा एच सी एफ. और जब एल सी एम लिखेंगे तो जितने भी यहाँ पे नंबर इन्वॉल्व होंगे वो सारे नंबर लिखने होते हैं प्रोडक्ट में विद देयर मैक्सिमम एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे सबका एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए एक्सपोनेंट का कोई मतलब तो रहा नहीं. जितने नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सबको प्रोडक्ट में आपको लिखना होगा. तो एक यहाँ पे 2 दिख रहा है और 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा. अब अगर हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो एचसीएफ हो गया 13 मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13. अब ये इक्वल होना चाहिए 26 इंटू 91. तो चलिए इसी को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे 7 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 91 इंटू 2 इंटू 13. अब 2 इंटू 91 को सॉल्व करोगे तो आएगा 182 मल्टीप्लाई 13, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2366. यहाँ पे 26 और 91 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2366 आएगा, इसलिए दोनों वेरीफाई हो जाएंगे. सेम यही काम आपको बाकी दो प्रॉब्लम्स के लिए करना है. तो 510 का जब हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 23. तो एस सी एफ के लिए मैंने आपको बताया जो नंबर दोनों में कॉमन दिखेगा उसकी मिनिमम पावर लिखनी है आपको. तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है और इसकी मिनिमम पावर यहाँ पे 1 होगी, इसलिए केवल 2 लिखना है. और जब एलसीएम लिखेंगे तो जितने भी नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं सब लिखने होंगे विथ मैक्सिमम पावर. तो यहाँ पे नंबर में 2 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है. तो वेरीफाई करेंगे तो 2 ये एचसीएफ हो गया, मल्टीप्लाई में एलसीएम लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. ये इक्वल होना चाहिए 510 मल्टीप्लाई 92 के. इधर मल्टीप्लीकेशन अगर हम चेक करें तो 2 2 जब 4 3 जब 12 5 जब 60 हो गया. ये 60 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 2 आपको करना है. तो यहाँ पे 16 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1020 इंटू 23 इंटू 2 करना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 23460, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 02964. और इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको 46920 आएगा. ये दोनों नंबर सेम आएंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा. यही काम आपको थर्ड के लिए करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले 336 का हम लोग प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 3. तो यहाँ पे जब आप एच सी एफ लिखोगे तो जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसकी मिनिमम पावर लिखनी है. तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है लेकिन मिनिमम पावर 1, और दोनों में 3 दिख रहा है मिनिमम पावर 1,
इसका जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा, और जो एलसीएम होगा तो सारा नंबर जो इन्वॉल्व होगा सबको लिखना होगा विद मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर 4, 3 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 3, और 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए एचसीएफ लिखना होगा 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7, और ये इक्वल होना चाहिए 336 मल्टीप्लाई 54। तो 336 इंटू 54 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 48144, और ये आंसर इधर से भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 27 इंटू 7। तो 27 इंटू 7 जब आप करोगे तो वहां पे आ जाएगा 189 इंटू 16 इंटू 6 आपको करना है। तो जब 189 इंटू 16 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3024 इंटू करना है आपको 6, और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आपको 48144 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों नंबर के साथ वेरीफाई हो जाता है।